दोस्तों हम हमेशा बीज खाते हैं, जामुन खाया या कोई भी फल खाए, शरीफा खाया, उसको हम लोग खाते हैं, बीज को फेंक देते हैं डस्टबिन में। तो उन बीजों को मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैं बता रही हूँ मैं क्या करती हूँ। मैं जब खाती हूँ इस तरह कोई भी फल जिसमें बीज होता है, और उसको मैं लगा देती हूँ। उससे क्या होता है कि पौधे तैयार हो जाते हैं, और पौधों को आप फिर रीप्लांट कर सकते हैं, कहीं पे उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसका उसका जंगल बना सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैंने खाया जामुन, अभी जो जामुन पिछले महीने खूब आया, तो वो जामुन खाया और बहुत अच्छी क्वालिटी के जामुन थे, तो मुझे बहुत लगा कि तो अच्छी क्वालिटी के इनके बीज का पौधा बनाना चाहिए। तो फिर मैंने बनाया पौधा, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे पौधा बनाया। ये देखिए मैंने कैसे पौधा बनाया, ये कितने अच्छे जामुन के पौधे हुए। ये देखिए मैंने यहाँ पे बीज डाल दिया था, और इस बीज से ये पूरे के पूरे पौधे जामुन के निकले हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का जामुन है, और इसको मैं अभी मैं जब लगाने जाऊंगी तो भी मैं बताऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से, ये पेड़ बन जाएंगे, ये बहुत बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे, और ये मैं बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इसको इसका प्लांटेशन कर दिया है। तो ये इसमें करीब करीब मुझे लग रहा है कि 50 पौधों से कम नहीं है इस पूरे के पूरे गमले में। ये गमला देखिए, इस गमलों में 50 पौधे से कम नहीं है। तो एटलीस्ट आपने जामुन से 50, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है कि मैंने 50 पौधे डेवलप किए, ये मैं 50 पेड़ों में तब्दील कर दूँगी। तो इसी तरह से जब आप कुछ खाएं, तो अगर आपको थोड़ा सा भी शौक है तो गमलों में आप लगा सकते हैं, फिर उसको रीप्लांट कर सकते हैं, वो पेड़ों में बदल जाएगा। इस तरह से आप हरियाली का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अपने घर में भी लगा सकते हैं, और इसको अगर व्यावसायिक दृष्टि से भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी जामुन की खेती करनी है तो भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये जामुन के बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के पेड़ हैं।